आज हम देख सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कई दिनों के बीच बंद हो चुकी है और आप वो अनकन के वो टूरिज्म ऑफिसर भी इसको विरोध कर रहे हैं, जो संबलपुर के सामाजिक के लिए लोग आके इसको जो कर रहे हैं। अरे आप कौन है? घूमने के लिए नहीं है। बोलिए। हाँ मैडम, कौन आप? बोलिए, ऐसी हाँ बोलिए आप। आप आपका नाम? परमिशन आप लोग ऐसे अंदर आ गए? रुकिए ना सर, आप इस तरह बात मत कीजिए। हाँ हाँ प्रज्ञा पटनायक। हाँ मैडम, आज जो आप लोग बाहर रह के करिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैडम, आज जो यहाँ पर आप आए हैं, राजा बकरी जो ऐतिहासिक जगह था, कोई रानी बकरी जिसे कहा, कई सौ सालों पुरानी जगह, यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते थे, देख के जाते थे। आज इसको जो मॉडलिंग चेंज हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बन रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके पैनलिंग वगैरह कर रहे हैं, वुड पैनलिंग कर रहे हैं, वुड फ्लोरिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा और नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट ना बने, जो ओरिजिनल फॉर्म में था वैसा ही ये प्रिजर्व होके रहे, कंजर्व होके रहे और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बने। थैंक यू मैडम, प्रज्ञा मैडम आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे कि आप संबलपुर का संस्कृति बचाने के लिए इतना बड़ा पदक्षेप ले रही हैं। और हमारे सामने स्वाधीन भाई भी हैं, कार्तिक बाबू भी हैं। स्वाधीन भाई बोलेंगे आप? हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ है कि संबलपुर में अभी ले दे के एक ही स्ट्रक्चर है, जो मॉन्यूमेंट है, जो ठीक ठाक है। सरकार कुछ दिन पहले इसका रिनोवेशन करवाए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन अभी इसको एक हेरिटेज होटल बनाने का जो सिस्टम है वो नहीं करना। थैंक यू सर। कार्तिक सर बताएं थोड़ा। ये जो रानी बकरी जो है संबलपुर में, ये 500 साल से ज़्यादा पुराना है और अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रानी बकरी को ये लोग एक रेस्टोरेंट एक होटल बनाना चाहते हैं, मतलब बार टाइप। हाँ, और यहाँ पर सब असामाजिक काम होगा, इसको नष्ट और भ्रष्ट किया जा रहा है, इसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बोल सर, जो सर हमारा कहने वाला 500 साल पुराना, हम लोग जब छोटे थे, हमारे पैदाइश होने के पहले, आप लोग भी पैदाइश होने पहले, ये हम लोग देखने आते थे जी कि ये कैसा है। राजा इसी को, यदि राजा महाराजा को जो चीज़ है वापस उसी को मॉडलिंग करता तो लोगों को ज़्यादा खुशी होता है। लोगों कहना है कि आप इसको टूरिज्म बनाइए, कोई मना नहीं करे, लेकिन आप इसको रेस्टोरेंट नहीं करके इसको और डेवलपमेंट कीजिए, पुरानी ऐतिहासिक चीज को बचा के रखिए, लोग आए पुरानी चीज को देखें और याद करेंगे, संबलपुर की परंपरा को भी याद करें। यहाँ पर अगर एक म्यूजियम बनाया जाए तो हम लोग खुशी होंगे, लेकिन ये रेस्टोरेंट बनाने से हम लोग बहुत दुखी होते हैं, तो इसका प्रतिवाद करते हैं, इसको हम बनाने नहीं देंगे। थैंक यू सर। यदि सरकार बनाती है तो आप लोग इसको विरोध भी करेंगे, लगता है मेरे को आपकी आवाज़ से ऐसा लगता है। सब पूरे संबलपुर वासी आपको साथ देंगे। आपकी आवाज़, संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।